सो वी हैव दिस मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, तो इसमें क्या क्या याद करना है? तो जो याद करना है उसमें सबसे पहले तो हमें ये पार्ट्स याद कर लेना, कम से कम एटलीस्ट 5। जैसे पार्ट वन, इसमें प्रियम्बल, सॉरी प्रियम्बल नहीं, प्रिलिमिनरी लिखा हुआ है, तो ये पार्ट वन प्रिलिमिनरी, ये याद किए कर लिया। फिर ये जैसे पार्ट टू जो है वो नेशनल शिपिंग बोर्ड, पार्ट थ्री जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो कोई भी 5 जो कि एटलीस्ट टू रिमेंबर 5 बिकॉज समटाइम्स इट्स बीन आस्क। सो पार्ट 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन शिप्स। तो एज वी विल गो थ्रू द सेक्शंस, एक्चुअली वी विल कीप रिमेंबरिंग दिस ऑल्सो कि ये पार्ट 5 में रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन शिप है, ये है वो है। तो दिस इज हाउ वी विल लर्न कि इसमें क्या क्या याद भी करना है। तो एम एस एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं, तो दिस इज ऑल्सो हियर कि कौन कौन से सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मैंने ये सब, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑफ देम विल बी हियर ओनली। तो जैसे जैसे क्लब्स में जाते जाऊँगा तो वैसे वैसे और अच्छी तरीके से क्लियर होता जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट अप। तो इसमें ये सारे के सारे हैं टोटल, इसमें जो लिखे हुए हैं दैट इज 18 पार्ट्स हैं इसमें। टोटल 18 पार्ट्स हैं और 461 सेक्शंस हैं। तो अब कौन कौन से सेक्शंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो स्टार्टिंग के सेक्शन है दैट इज़ फ्रॉम 20 to 74, उनमें से कुछ सेक्शंस जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। पार्ट 5 दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन शिप, ये क्वेश्चन होता है कि हाउ द इंडियन शिप विल बी रजिस्टर्ड। तो इसमें क्या है कि फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट शिपिंग शैल बी डीम्ड टू बी एन इंडियन शिप शैल बी डीम्ड टू एन इंडियन शिप अनलेस ओनर होली बाय द पर्सन टू ईच होम ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाइज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अ कंपनी और ये सब। तो इसमें यह है कि Who can own a Indian flagship actually? कि Indian Shipping Act के अंदर who shall not be deemed to an Indian ship? For the purpose of the Act, a ship shall not be deemed to an Indian ship unless, मतलब कि कौन कौन जो हैं वो Indian ship को hold कर सकते हैं, Indian flagship को hold कर सकते हैं। तो वो बंदा एक Indian citizen होना चाहिए या कंपनी हो या बॉडी हो जो कि स्टैब्लिश्ड अंडर द सेंटर ऑफ द स्टेट एक्ट विच हैज़ इट्स प्रिंसिपल बिजनेस बेस्ड इन इंडिया, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस इंडिया में हो, और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर रजिस्टर्ड और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बाय द लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स्ड इन एनी स्टेट। तो इसमें क्या है कि वो या तो कोई बंदा हो, कोई कंपनी हो जो कि इंडिया में उसका प्रिंसिपल बिजनेस चल रहा हो, या कॉर्पोरेट सोसाइटी हो जो कि इस एक्ट के अंडर में इंडिया में स्टैब्लिश्ड हो। और ऑब्लिगेशन ऑफ क्या है, रजिस्टर तो एवरी इंडियन शिप अनलेस इट इज़ बीन इट इज़ अ शिप विच डज नॉट एग्जिस्ट एक्सीड 15 टन्स नेट एंड इज एम्प्लॉयड सोली इन नेविगेशन ऑन द कोस्टल वाटर शैल बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो रजिस्ट्रेशन किसका किसका हो गया, शिप विच डज नॉट एक्सीड 15 टन्स, तो ये वाला लाइन है कि शिप डज विच डज नॉट एक्सीड 15 टन्स नेट, तो जो एक्सीड ना करे 15 टन्स, तो वो भी दैट इज ऑल्सो कमिंग्स, और वो सोली नेविगेशन जो कि सोली नेविगेशन ऑन द कोस्ट ऑफ द इंडिया हो। तो एवरी इंडियन शिप अनलेस इट इज अ शिप which does not exceed 15 tons, तो ये वाली लाइन थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, unless it is a ship which does not exceed 15 net tonnages and is employed solely in navigation on the coast of the India shall be registered under this act।
तो ये वाला जो दिस ऑब्लिगेशन ऑफ द रजिस्टर, ये भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट जस्ट टू नो कि क्या है. सो इन केस समबडी इज आस्किंग वी कैन से दिस वन. बट और ये वाला भी कि कौन कौन सी जो वेसल्स हैं, कौन कौन से लोग हैं जो कि इंडियन शिप्स को होल्ड कर सकते हैं. वहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया कंपनी हो गई या कॉरपोरेट सोसाइटी हो गई, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन कौन इंडियन शिप्स को ले सकते हैं. तो डायरेक्ट सेक्शन 21 इस तरीके से कहा जा सकता है. और ऑब्लिगेशन ऑफ रजिस्टर जो है वो है 22 सेक्शन, तो ये भी हो सकता है. अब आते हैं यहाँ पर 23 सेक्शन जो कि इम्पोर्टेंट है. 23 से प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्री, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द शिप्स जो है वो यहाँ से शुरू होता है, 23 से लेकर के सेक्शन 33 तक. है और यहाँ पे है 34 ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री, यहाँ पे आ जाता है. तो व्हाट वी शुड डू, तो अगर कोई पूछे कि हाउ टू व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द शिप, तो एज पर एमएस एक्ट 1950 सेक्शन 23 टू 33. और उसमें क्या क्या है कि सबसे पहले जो है यहाँ पे बहुत कुछ, देर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो सबसे पहले कि जो ओनर है वो अपने डिटेल्स देगा, शिप के कंस्ट्रक्शन के डिटेल देगा, और एक एप्लीकेशन जो है वो डीजी शिपिंग को डालेगा, और उसके बाद डीजी शिपिंग उस एप्लीकेशन को देखेगी, उसके एड्रेसेस को देखेगी और उसका शिप कंस्ट्रक्शन का देखेगी. उसके बाद वो एक सर्वेयर भेजेगी जो कि इंडियन रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, मतलब एमएस एक्ट एज वेल एज इंडियन क्लास के हिसाब से वो उसे चेक करेंगे. दे विल इंस्पेक्ट ऑन फाइंडिंग्स कि हाँ भाई वेसल इज कंप्लाइंग विथ एवरीथिंग, देन दे विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री. और उसमें भी रजिस्ट्रार क्या क्या एंट्री करेगा वो भी दिया हुआ है कि रजिस्ट्रार उसमें उसके कंस्ट्रक्शन के, फिर ओनर्स का एड्रेस, फिर शिप का जहाँ पे नेम्स हैं एंड ऑल दिस, दिस इज ऑल्सो मैंशनड ओवर हियर. तो इसमें ये, तो इसमें जो है वो 20 से लेके 22 तक, 20, 21 एंड 22, इट इज़ जस्ट सेइंग अबाउट कि क्या है रजिस्ट्रेशन का फंडा, सॉरी नॉट फंडा बट ये ऑब्लिगेशन ऑफ द रजिस्ट्री, और ये छोटा छोटा है, इट इज़ नॉट मच. और जो प्रोसीजर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन है ये 23 से स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पर लिखा है बोर्ड ऑफ रजिस्ट्री कौन कौन सी हैं, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है बट द नेम्स आर चेंज्ड. तो रजिस्ट्रार ऑफ इंडियन शिप कौन कौन हो सकता है कि एट द पोर्ट ऑफ द मुंबई, कलकत्ता, मद्रास एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ MMD एंड एट एनी अदर पोर्ट सच अथॉरिटी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफाइंग द ऑफिशियल गेजेट. तो ये नोटिस देकर, ऑफिशियल गेजेट दे के भी उसको भी हम रजिस्ट्रार बना सकते हैं. ओके, नाउ रजिस्टर बुक. Every registrar shall keep a book to be called as a register book, and entry in that shall be made in accordance with the following. The property in a ship shall be divided into 10 shares. कि 10 shares में, और ये सब, that is all. कि क्या क्या है इसमें लिखना, कि किस किस कंडीशन में रजिस्ट्री हो सकती है, मतलब 10 बंदे मैक्सिमम हो सकते हैं इसमें, यह बताया गया है बस. That is owner. Not more than 10 individuals. 10 कम से कम एक ग्रुप में एक बंदा, मतलब 10 पीपल्स कैन इक्वली इन्वेस्ट इन द शिप. और उसके बाद 10 इंडिविजुअल्स जो हैं वो हो सकते हैं मैक्सिमम, और किस तरीके से हो सकते हैं. फिर यहाँ पे भी 10 शेयर होल्डर्स लिखा था मैक्सिमम, उससे ज़्यादा लोग अगर 11 होंगे तो रजिस्ट्री नहीं करेंगे. तो एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्री इसमें लिखा हुआ, यस. Listen, in case of the individual by the person required to be registered as a owner or his agent, तो in the case more than one individual by someone more, one or more of the person required by the agent in the company, the surveys, ये सब तो ऐसे markings, तो ये markings ये check करेंगे जो surveyor जाएगा DG shipping के through.
ये लिखा हुआ है कि एंट्री ऑफ पर्टिकुलर्स इन द रजिस्टर बुक में क्या क्या होगा, द नेम ऑफ द शिप, द नेम ऑफ द पोर्ट टू विच शिप बिलोंग्स, देन द डिटेल कंटेन्ड इन द सर्वेयर सर्टिफिकेट, द पर्टिकुलर रिस्पेक्टिंग द ओरिजिन स्टेट इन द डिक्लेरेशन ऑफ द ओनरशिप, the name and the description of her registered owner and the owner, and if there are more owners than one, the number of share owned by each of them. तो ये वाला है, और documents to be retained by the registrar, ये वाले surveyor का certificate, builder का certificate, an instrument of the sale by which the ship has previously sold, all declaration of the ownership, ये वाला ये पावर, तो ये वाली भी नहीं इम्पोर्टेंट है ज़्यादा. तो मोस्टली जो है वो 23 से 33 में क्या दे के रखा हुआ है, इसमें ये बता के रखा हुआ है कि सबसे पहले तो जो ओनर है उसको तीन चीज़ें लेकर के आ जानी है. एक तो अपना एड्रेस और अपना जो ओनरशिप है उसका, अपना एड्रेस और अपनी कंपनी और ये सब जो भी है, मतलब एक तरीके से ओनर्स डिटेल. तो नंबर वन इज़ ओनर्स डिटेल, नंबर टू इज़ शिप बिल्डिंग सर्टिफिकेट, उसे देना है. और शिप बिल्डिंग सर्टिफिकेट दे दिया, उसके साथ उसे एक एप्लीकेशन डाल देनी है, तो वो एप्लीकेशन डाल देगा डीजी शिपिंग को. तो वो तीनों को मिला करके जो डीजी शिपिंग है वो सर्वेयर को भेजेगी, सर्वेयर विल गो, सर्वेयर विल सर्वे द वेसल, और उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो सर्वे के बेसिस पे जो रजिस्टर है वो रजिस्टर कर देगा वेसल को. तो उसमें क्या क्या होगा कि एंट्री इस जो रजिस्टर बुक में होगी वो ये होगी ए बी और ये सी डी. तो ये चार जो चीज़ें हैं जिसमें नेम ऑफ द शिप आ गया, डिटेल्स कंटेंट इन द सर्वे सर्टिफिकेट, मतलब जो सर्वेयर का सर्टिफिकेट होगा वो, फिर डिटेल्स ऑफ द शिप, उसके बाद शिप ओनर की डिटेल्स हो जाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनके डिटेल्स और उनके कितने शेयर्स हैं वो, उसका डॉक्यूमेंट्स टू बी रिटेन विद द रजिस्ट्रार, मतलब रजिस्ट्रार के पास कौन कौन सी रहेंगी, वो ये चार हैं कि द सर्वेयर सर्टिफिकेट, द बिल्डर सर्टिफिकेट एंड इंस्ट्रूमेंट, और ये ऑल डिक्लेरेशन. इन सब के बाद क्या होगा, सेक्शन 34 आ जाएगा, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री कर दिया. उसके बाद 36 आ जाते हैं हम, 35 नहीं है, पावर टू ग्रांट अ न्यू सर्टिफिकेट व्हेन ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज डिफेस्ड और लॉस्ट, या तो वो फट फट गया हो या कुछ और हो गया हो या लूज हो गया, मतलब हमारे पास से लॉस हो गया हो, तब हम क्या करेंगे. इन इवेंट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री ऑफ द इंडियन शिप बीइंग डिफेस्ड और म्यूटेटेड म्यूटिलेटेड, द रजिस्ट्रार ऑफ हर पोर्ट ऑफ द रजिस्टर मे बी डिलीवरिंग टू हिम द अदर सर्टिफिकेट ग्रांट. इन इवेंट ऑफ द रजिस्ट्रार इंडियन शिप में मिसलीड लॉस और डिस्ट्रॉय, तो इन सब केसेस में क्या होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे देन द मास्टर ऑफ द शिप और द सम अदर पर्सन, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, देन द मास्टर ऑफ द शिप और सम अदर पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट ऑफ दैट शैल मे बी डिक्लेयर सच फैक्ट एंड द नेम्स एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड ओनर of such ship to be the best of the declared knowledge and belief to the nearest available Indian consulate officer who may thereupon grant a certificate of registry. तो ये है कि जो जब लॉस हो गया तो मास्टर या कोई और पर्सनल जो है वो बेस्ट ऑफ द नॉलेज जो उसकी है अबाउट द ओनर वो दे देगा, अगर वो आउटसाइड इंडिया है. ये है आउटसाइड इंडिया के लिए, दिस वन इज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया के लिए है कि आउटसाइड इंडिया दिस शुड बी डन, तो वो किसको दे देगा, इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिसर को दे देगा, और वो हमें एक और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री दे देंगे. और उसके बाद क्या है, द प्रोविजनल सर्टिफिकेट शैल बी विद इन 10 डेज आफ्टर द फर्स्ट सब्सिक्वेंशियल अराइवल ऑफ द शिप एट द और यही चीज़ अगर इंडिया में है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट शैल बी विद इन 10 डेज आफ्टर द फर्स्ट सब्सिक्वेंट अराइवल ऑफ द शिप एट हर पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज इन इंडिया. तो अगर वही जो चीज़ है वो अगर वो इंडिया में आ जाती है शिप, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट शैल विद इन 10 डेज, जब वो शिप इंडिया में आ गई
ये शिप बाहर थी तो उसको जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो इंडियन कॉन्सुलेट ने दे दिया। और जब वो इंडिया में आ गई तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट को विद इन 10 डेज आफ्टर द फर्स्ट सब्सिक्वेंट अराइवल ऑफ द शिप एट हर पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज इन द इंडिया बी डिलीवर टू द मास्टर टू द रजिस्ट्रार। तो वो मास्टर जो है वो रजिस्ट्रार को दे देगा और वहाँ से नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री मिल जाएगा। और अगर ये इंडिया में ही हुआ होता, ये तो आउटसाइड इंडिया के लिए बताया, अगर इंडिया में ही हुआ होगा होता तो कुछ नहीं, जैसे तरीके से इसमें इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिसर के पास गया, हम सीधा रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लिख देंगे तो अकॉर्डिंगली, और हमारा वो FIR एंड ऑल दिस जो इंडियन का जो प्रोसीजर है वो होगा और उसके बाद हमें मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट वन इज एंडोर्समेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ चेंज ऑफ मास्टर। तो ये चेंज ऑफ मास्टर, ये भी दिस 37 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो मैं थोड़ा मार्क ही कर देता हूँ कि विच ऑल आर इम्पॉर्टेंट। जैसे इसमें ये 20 भी रीड कर सकते हैं हम, 21 भी रीड कर सकते हैं। ट्वेंटी टू ऑल्सो, 23, 24, ये बस ऐसे जानने के लिए कि ये प्रोसीजर होता है, इसमें उतना कुछ नहीं है। ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्री, 26 इंडिविजुअल, ये एंट्रीज 31, थर्टी टू, देन 36, नाउ 37। 37 में है एंडोर्समेंट ऑफ ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ चेंज ऑफ मास्टर। तो इसमें क्या, वेयर द मास्टर ऑफ इंडियनशिप इज चेंज्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स दैट इज टू से, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर मास्टर चेंज होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री के टाइम पे, तो एंडोर्समेंट ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ चेंज ऑफ मास्टर में क्या करेंगे, एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री में मास्टर के सिग्नेचर्स या कुछ हो तो उसमें अगर मास्टर चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे। इफ द चेंज इज मेड बाई मेड इन द कंसिक्वेंस ऑफ द रिमूवल ऑफ द मास्टर बाई द मरीन बोर्ड, अगर मरीन बोर्ड ने मास्टर को निकाला है तब बाय द कोर्ट अंडर द एक्ट, तो कौन करेगा, मरीन बोर्ड ने निकाल दिया तो कौन कौन करेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ द मरीन बोर्ड और द कोर्ट एज द केस में बी, तो ये लोग करेंगे। और दूसरा क्या है, इफ द चेंज अकर्स फ्रॉम एनी अदर कॉज, मतलब मास्टर को निकाला नहीं है बट मास्टर को कुछ हो गया तब क्या होगा, तब करेंगे इन इंडिया, अगर इंडिया में है तो द इंडियन द रजिस्ट्रार और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ एंड द पोर्ट वेयर द चेंजेस अकर। एंड अगर आउटसाइड इंडिया होगा, ये इन इंडिया भी कर देते हैं, या अगर आउटसाइड इंडिया होगा तो इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिसर, ये वाला तो सिंपल है, और इंडिया में रहा तो रजिस्ट्रार कर देगा या एनी ऑफिसर हु इज ऑथराइज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। बस ये वाला भी पूछा जाता है कि एंडोर्समेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द चेंज ऑफ द मास्टर। फिर 38 तो ये नहीं पूछा जाता है, 38 इज नॉट देयर, 39, 40 भी नहीं है, 74 तक ये पर्टिकुलरली हैं, और उसके बाद से हमारे पास 75 सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिसर्स आ जाते हैं इसमें। हंड्रेड 101, यस 100, ये है एग्रीमेंट विथ क्रू। तो इसमें क्या है, द मास्टर ऑफ एवरी इंडियन शिप एक्सेप्ट अ होम ट्रेडिंग शिप ऑफ लेस देन 200 ग्रॉस टनेज शैल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट।
तो वो जो 200 ग्रॉस टनेज एंड अबव का जो भी होगा तो वो उसमें एग्रीमेंट में आना है। द मास्टर ऑफ एवरी इंडियन शिप एक्सेप्ट अ होम ट्रेडिंग 200 शैल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन दिस एक्ट कॉल्ड द एग्रीमेंट विद द क्रू। इसे एग्रीमेंट विद द क्रू कहते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट विद एवरी सीमैन हु इज एंगेज्ड इन एंड कैरीज टू अ सी एज वन ऑफ हिज क्रू फ्रॉम एनी पोर्ट ऑफ इंडिया। और ये जो है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, ये है आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के। एन एग्रीमेंट विद द क्रू शैल बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड शैल बी डेटेड बाय द टाइम ऑन द फर्स्ट सिग्नेचर देयर ऑफ एंड शैल बी साइंड बाय ओनर और एजेंट एंड द मास्टर बिफोर एनी सीमैन साइंस द सेम। तो इसमें जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट और कलेक्टिव बार्गेन एग्रीमेंट में लोगों को बहुत डाउट होता है कि जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है वो बाई पार्टी है, ट्राई पार्टी है या क्या है। तो जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है वो बाई पार्टी है। तो उसमें असल में बाई पार्टी क्यों है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट में इट इज़ रिटन वो वाला भी मैं बताऊंगा, बट पहले जस्ट वी विल गो थ्रू दीज थिंग्स उसका नया बना करके, सो दैट बिकॉज दैट विल ऑल्सो बी लॉन्ग वन, तो जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन वो कर दूंगा, बट फर्स्ट वी विल गो थ्रू दिस। तो इसमें क्या लिखा है वो पता लग जाएगा, तो उसके बाद वी विल गो। इसमें लिखा है एग्रीमेंट विद द क्रू लिखा है, तो ये आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के लिए एग्रीमेंट विद द क्रू लिखा है। तो उसमें क्या है, द मास्टर ऑफ एवरी शिप और एक क्रू। तो इसमें क्या है जो इसमें मास्टर और क्रू के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, और मास्टर जो है वो ओनर के बिहाफ में शो कर रहा है कि मास्टर इज ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर। तो मास्टर और क्रू के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है, और जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट है जो कि MS एक्ट के अकॉर्डिंगली बस वो सिग्नेटरी अथॉरिटी है कि हाँ भाई हमें नॉलेज है कि ये एग्रीमेंट हुआ है, दैट इज़ देयर। तो इसलिए शिपिंग मास्टर को देना, शिपिंग मास्टर के साइन इसलिए होते हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज कि वो ट्राई पार्टी है, एक्चुअली इट इज़ अ बाई पार्टी। बट उसमें क्या है कि सिर्फ शिप ओनर और सी फेयरर के बीच में एग्रीमेंट होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ बाई पार्टी। और मैंने टीचर्स से भी पूछे हुए हैं, दे सेड दैट इट इज़ अ बाई पार्टी। तो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट में जैसे पूछे तो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट क्यों रिक्वायर्ड है, तो एज पर MS Act 1958 सेक्शन 100 एग्रीमेंट विद द क्रू लिखा हुआ है, तो इसलिए ये रिक्वायर्ड है। फिर 10 हमारे पास 101 आ जाता है, तो इसमें क्या है डिटेल्स, क्या क्या आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट में होने चाहिए। द एग्रीमेंट शैल, द एग्रीमेंट विथ द क्रू शैल कंटेन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि फर्स्टली, इसमें भी CBA का भी लिखा भी हुआ होगा, इसमें कलेक्टिव बार्गेन एग्रीमेंट सिग्नेचर बाय ओनर एजेंट। अच्छा ठीक है, तो ये जो है ये उसके हैं कि पर्टिकुलरली क्या क्या लिखा होना चाहिए। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट का नंबर वन इज दिस वन, एन एग्रीमेंट विद द क्रू शैल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी डेटेड फ्रॉम द फर्स्ट सिग्नेचर एंड शैल बी ओनर बिफोर द सीमैन साइंस, ये सब, और एग्रीमेंट दस 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 दस। तो ये जो एग्रीमेंट का है ये भी मैं बता दूंगा कि हाँ आई रट्टा फॉर हाउ टू रट्टा फॉर दिस वन ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो ईजी। तो मैं आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट बताऊंगा तो उससे हो जाएगा। तो ये 101 जो है वो कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है। इसके बाद 102 103 इन सबसे हमें मतलब नहीं है। ये लिखा हुआ था 10 प्रोविजन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अंडर एज पर्सन्स इन द सर्टेन केसेस, तो ये वाला है, बट दो इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये वाला इम्पोर्टेंट है 114 एंगेजमेंट बिटवीन द सीमैन एंड द मास्टर ऑफ द शिप अदर देन इंडियन शिप। तो उसमें क्या है, द मास्टर ऑफ द शिप
other than an Indian shipping agency, a seaman at the port, the Indian in India to proceed to any port outside, he shall enter. Yeah, voila. Into an agreement with such a seaman, with an agreement to be made before the shipping master, in the manner provided by this act, for making an agreement in the case of the foreign ships. Usme kya hai? All the provision of the act, agreement stipulated, contain agreement of the seaman. Okay, and the master, yeah, again, the master of the ship, other than the Indian ship, Gera. Yeah, fixed to a central government and condition for central. Okay, तो इसमें क्या है कि अगर engagement कोई foreign flag vessel कर रही है Indian seafarers के साथ, तो उसमें क्या होगा कि the master of the ship other than an Indian ship given gives to the shipping master a bond with the security of some अप्रूव्ड पर्सन रेजिस्टेंट इन द इंडिया. तो या तो वो बॉन्ड किसी पर्सन के थ्रू दे दे जो कि इंडिया में रहता हो, या सच अमाउंट मे बी फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या जो अमाउंट जो है वो फिक्स्ड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है. तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट है, दिस बाई डिपॉजिटिंग दिस अमाउंट ओनली हमारी कंपनीज को RPSL नंबर मिलता है. एंड देन वी नो कि हाँ, अरे ये RPSL वाली कंपनी है तो ये अच्छी है, ये ठीक है. तो ये वाला केस है इसमें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे दे देते हैं तो बाय दैट अमाउंट वो उनको RPSL नंबर मिल जाता है, तो इट इज़ गुड. और अगर उसमें जैसे कि कोई एक ही क्रू उठा रहा है या दो ही क्रू उठा रहा है, बट दे आर नॉट हैविंग अ कंपनी, तो उस केस में ये वाला आ जाएगा कि शिपिंग मास्टर को बॉन्ड दे दो, कि सिक्योरिटी बॉन्ड दे दो कि इस बंदे का जो देख रेख है, मतलब इफ़ दिस पर्सन इज लॉस्ट lost, so the person who is residing in India, this guy, person residing in India will be held responsible for that guy, कि अगर उसे कुछ हुआ तो इसे पकड़ा जाएगा. So this is how it is 114. तो अगर 114 दोबारा मैं बता देता हूँ ज़रा सा, कि engagement of the seafarer and the master other than Indian ship में क्या करेंगे. सबसे पहले अगर ऐसा agreement हो रहा है तो master को जो कि अदर शिप्स का है, तो उसको या तो अगर वो एक ही बंदा या कम ही बंदा ले रहा है तो वो शिपिंग मास्टर के पास एक बॉन्ड दे दे ऑफ सम पर्सन जो कि रिसाइडिंग इन इंडिया हो, या सम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट दे दे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया हो, तो उससे उसे RPSL नंबर कंपनी को एक्चुअली में मिल जाता है. तो ही कैन डू एनी वन ऑफ देम, सो दैट द सीफेयरर विल हैव अ गारंटी कि उसको कोई अबेंडन करके नहीं जाएगा. तो यहाँ पे लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, ये सब, मतलब दिस इज वॉज द मेन फैक्ट. तो जो नेक्स्ट वन है, यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ सीमेन आउटसाइड इंडिया फॉर द इंडियन शिप्स, ये लिखा हुआ, बट जनरली दे आर नॉट आस्क. तो जो 152-160 है, मैं नेक्स्ट में कैरी ऑन करता हूँ, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी ए लॉन्ग